स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज का टॉपिक हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, तो पहले हम लोग इस थ्योरम की स्टेटमेंट देख लेते हैं। क्या कहती है स्टेटमेंट? लेट टी बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम यू टू वी। ठीक है, टी हमारे पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है U से लेकर V तक। देन U बाय कर्नल ऑफ T इज आइसोमॉर्फिक टू T ऑफ U। ठीक है, U बाय कर्नल T किसके आइसोमॉर्फिक होगा? T ऑफ U। T ऑफ U क्या है? इमेज ऑफ वेक्टर स्पेस U। और कर्नल T क्या है? कर्नल ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T। ठीक है, तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमें इसमें क्या प्रूव करना है? आइसोमॉर्फिक प्रूव करना है। तो आइसोमॉर्फिक प्रूव करने के लिए हमें चार चीजें चाहिए, मेनली टू होनी चाहिए। ठीक है, तो पहले हम लोग एक मैपिंग डिफाइन करेंगे, उसको पहले वेल डिफाइंड प्रूव करेंगे, फिर से क्या प्रूव करेंगे कि वो क्या है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। फिर उसको प्रूव करेंगे कि वो क्या है? वन वन। फिर उसको प्रूव करेंगे वन टू। लेट टी फ्रॉम U to V be a linear transformation. Take kernel of T is equal to W. Say, हम लोगों ने अज्यूम कर लिया जो कर्नल ऑफ T है वो किसके बराबर है? W के बराबर है। Let us define a mapping. ठीक है, हम लोगों ने एक मैपिंग डिफाइन कर दी U बाय W से T ऑफ U तक, सच दैट F ऑफ W प्लस U इज इक्वल टू T ऑफ U फॉर ऑल U बिलोंग्स टू U। ठीक है, इसमें एलिमेंट्स किस टाइप के होंगे? U बाय W में W प्लस U टाइप। ये स्मॉल U कहां के एलिमेंट्स है? वेक्टर स्पेस U के एलिमेंट है। इनको हम लोगों ने कहां पे मैप किया? T ऑफ U पे। ठीक है, तो कोई भी एलिमेंट इसका किस टाइप का होगा? W प्लस U का, उसको हम लोग कहां पे मैप करेंगे? T ऑफ U पे। ठीक है, हमें क्या प्रूव करना है? टू प्रूव F इज वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, हमें क्या प्रूव करना है कि ये क्या है? वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म। तो सबसे पहले हम लोग क्या प्रूव करेंगे? F इज वेल डिफाइंड। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेप है। F को हमें क्या प्रूव करना है? वेल डिफाइंड है। ठीक है, तो हम लोग वेल डिफाइंड कैसे प्रूव करते हैं? हम लोग कोई भी दो एलिमेंट ले लेंगे और उनको इक्वल मानेंगे, तो हम लोग क्या प्रूव करेंगे कि जो उनकी इमेजेस है वो भी क्या आनी चाहिए? इक्वल आनी चाहिए। तो वहां से हमारे क्या हो जाएगा? फंक्शन वेल डिफाइंड। ठीक है, हम लोग क्या मानेंगे? फॉर एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स W प्लस U1 कोमा W प्लस U2 बिलोंग्स टू W बाय U। हम लोग दो एलिमेंट्स मान लेंगे W प्लस U1 एंड W प्लस U2। हम लोग क्या प्रूव करेंगे? जो इन एलिमेंट्स की इमेज है वो क्या रहनी चाहिए? सेम रहनी चाहिए। ठीक है, लेट W प्लस U1 इक्वल टू W प्लस U2। हम लोगों ने इन दोनों एलिमेंट्स को क्या मान लिया? सेम मान लिया। ठीक है, तो यहां से क्या आएगा हमारे पास? दिस इंप्लाइज W प्लस U1 माइनस U2, सॉरी U1 माइनस U2 बिलोंग्स टू W। ठीक है, W प्लस U1 इक्वल टू W प्लस U2 है हमारे पास। ठीक है, तो जब इस एलिमेंट्स को इधर लेके आओगे तो किस टाइप का हो जाएगा? W प्लस U1 माइनस W प्लस, सॉरी माइनस W माइनस U2। ठीक है, W और जब W को सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमारे पास क्या रहेगा? W रहेगा और U1 माइनस U2, तो U1 माइनस U2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा पूरा कहाँ बिलोंग कर जाएगा? W में बिलोंग कर जाएगा। ठीक है, अब W कहाँ बिलोंग कर रहा है? W में, तो इसका मतलब ये एलिमेंट भी कहाँ बिलोंग करेगा? W में। इसका मतलब क्या हुआ? U1 माइनस U2 कहां बिलोंग करेगा? W में बिलोंग करेगा। ठीक है,
डब्ल्यू हम लोगों ने क्या मान रखा है, डब्ल्यू हम लोगों ने मान रखा है कर्नल ऑफ टी, ठीक है। तो यू वन माइनस यू टू बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ टी, कहां बिलोंग करेगा यू वन माइनस यू टू, कर्नल ऑफ टी में, ठीक है। तो जो कर्नल ऑफ टी में बिलोंग करता है उस एलिमेंट की इमेज हमारे पास क्या आती है, जीरो आती है। इसका मतलब क्या हुआ, टी ऑफ यू वन माइनस यू टू किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से हम लोग क्या कह सकते हैं, टी ऑफ यू वन इक्वल टू टी ऑफ यू टू, तो टी ऑफ यू वन किसके बराबर हो गया, टी ऑफ यू टू के, ठीक है। तो ये यहां से क्या कह सकते हैं, टी ऑफ यू वन किसके बराबर होगा यहां पे, अब देखो यहां पे टी ऑफ यू है ना, किसके बराबर है, एफ ऑफ डब्ल्यू प्लस यू, अगर यहां पे यू वन पुट करेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, एफ ऑफ डब्ल्यू प्लस यू वन। तो यहां से क्या आ गया, एफ ऑफ डब्ल्यू प्लस यू वन इक्वल टू एफ ऑफ डब्ल्यू प्लस यू टू, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, दो एलिमेंट्स लिए डब्ल्यू प्लस यू वन और डब्ल्यू प्लस यू टू, दोनों को हम लोगों ने क्या माना, इक्वल माना। तो और क्या प्रूव कर दिया, उनकी इमेज भी क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, फंक्शन वेल डिफाइंड, ठीक है। अब हम लोग क्या प्रूव करेंगे, f हमारे पास क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड पार्ट, f हमें क्या प्रूव करना है कि क्या है, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट दो एलिमेंट मानेंगे w प्लस यू वन कोमा डब्ल्यू प्लस यू टू, ठीक है, बिलोंग्स टू u बाय w, बी आर्बिट्रेरी, हम लोगों ने दो आर्बिट्री एलिमेंट मान ली, कौन से, w प्लस यू वन और दूसरा कौन सा है, w प्लस यू टू, ठीक है। तो हमारे पास f ऑफ w प्लस यू वन प्लस w प्लस यू टू, ठीक है जी, किसके बराबर होएगा, जब इनको दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो w को जब w से ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या रहने वाला है, w, u1 को जब u2 से ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, u1 प्लस u2। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, f ऑफ w प्लस u1 प्लस u2, ठीक है। अब हम लोगों ने जो मैपिंग डिफाइन की थी वो कैसे डिफाइन की थी, f ऑफ w प्लस u इक्वल टू t ऑफ u, ये हम लोगों ने मैपिंग डिफाइन की थी। तो अब इसके ऊपर ये मैपिंग लगाएंगे तो इसकी इमेज क्या आ जाएगी, यहां पे u था तो यहां पे क्या आया था, u, अब यहां पे u1 प्लस u2 है तो किसके बराबर हो जाएगा, t ऑफ u1 प्लस u2, ठीक है। ये किसके बराबर होता है, टी ऑफ यू वन प्लस टी ऑफ यू टू, ठीक है। ये किस, टी ऑफ यू वन यहां से किसके बराबर आएगा, एफ ऑफ डब्ल्यू प्लस यू वन, और टी ऑफ यू टू किसके बराबर आएगा, एफ ऑफ डब्ल्यू प्लस यू टू, ठीक है। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमें मेनली दो प्रॉपर्टी प्रूव करनी होती है, पहली तो कौन सी, वेक्टर एडिशन, और दूसरी कौन सी, स्केलर मल्टीप्लीकेशन। तो ये देखो, ये हमारी प्रॉपर्टी कौन सी है, ये हम लोगों ने दो वैक्टर लिए थे तो हम लोग इनको कैसे लिख सकते हैं, टी ऑफ यू वन प्लस यू टू इक्वल टू टी ऑफ यू वन प्लस टी ऑफ यू टू, तो हमने यही किया। देखो यहां पे एफ ऑफ डब्ल्यू प्लस यू वन प्लस डब्ल्यू प्लस यू टू इक्वल टू एफ ऑफ डब्ल्यू प्लस यू वन प्लस एफ ऑफ डब्ल्यू प्लस यू टू, तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी होगी, वैक्टर एडिशन वाली। दूसरी हमारे पास क्या होती है, स्केलर मल्टीप्लीकेशन। तो वो कैसे प्रूव करेंगे, ऑल्सो एफ ऑफ ए कोमा ए डब्ल्यू U1, हम लोगों ने इस वेक्टर को इस स्केलर से मल्टीप्लाई किया तो किसके बराबर हो जाएगा, f ऑफ w प्लस a u1, ठीक है। ये इसके बराबर कैसे आया, जब a को w से मल्टीप्लाई करोगे, w हमारे पास क्या है, एक सबस्पेस है, तो सबस्पेस को किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो तो वो कहां बिलोंग करता है, सबस्पेस में ही, तो ये w के अंदर ही बिलोंग करेगा, तो इसलिए w आ जाएगा। a को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, a u1 फॉर एनी स्केलर ए, यहाँ पे हमने एक स्केलर ले लिया ए, ठीक है। तो ये देखो, यहाँ पे यू था तो यू आ रहा था, यहाँ पे क्या है, ए यू वन, तो किसके बराबर हो जाएगा, टी ऑफ ए यू वन, ठीक है। तो किसके बराबर हो जाएगा, ए टाइम्स टी ऑफ यू वन इक्वल टू ए टाइम्स एफ ऑफ डब्ल्यू प्लस यू वन, ठीक है। तो ये हमने कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दी, स्केलर मल्टीप्लीकेशन वाली। तो ऐसे हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर एफ इज अ
लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, एफ हमारे पास क्या आ गई, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या प्रूव करना है, थर्ड एफ इज वन वन। ठीक है, एफ हमें क्या प्रूव करना है, एफ क्या हमारे पास वन वन है। तो वन वन कैसे प्रूव करते हैं हम लोग, टी ऑफ यू वन इक्वल टू क्या मान लेते हैं, टी ऑफ यू टू, और क्या प्रूव कर देते हैं, यू वन इक्वल टू यू टू। ठीक है, तो हम लोगों ने मान लिया लेट डब्ल्यू प्लस यू वन कॉमा डब्ल्यू प्लस यू टू बिलोंग्स टू यू बाय डब्ल्यू, बी आर्बिट्री, हम लोगों ने दो आर्बिट्री एलिमेंट्स ले लिए। ठीक है, लेट देन एफ ऑफ डब्ल्यू प्लस यू वन इक्वल टू एफ ऑफ डब्ल्यू प्लस यू टू, ये हम लोगों ने अज्यूम कर लिया। अब हम लोग क्या प्रूव कर देंगे, जो डब्ल्यू प्लस यू वन है वो किसके बराबर होना चाहिए, डब्ल्यू प्लस यू टू के बराबर होना चाहिए। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, टी ऑफ यू वन, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, टी ऑफ यू टू। टी ऑफ यू वन इक्वल टू क्या हो गया, टी ऑफ यू टू, यहां से हम क्या कह सकते हैं, टी ऑफ यू वन माइनस टी ऑफ यू टू इक्वल टू क्या आ गया, जीरो। ठीक है, इसको हम लोग क्या कैसे लिखते हैं, टी ऑफ यू वन माइनस यू टू इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, जीरो। ठीक है, तो इस एलिमेंट की यू वन माइनस यू टू की इमेज क्या आ रही है, जीरो। इसका मतलब ये एलिमेंट कहाँ बिलोंग करेगा, कर्नल में। इसका मतलब क्या हुआ, यू वन माइनस यू टू बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ टी। ठीक है, कर्नल ऑफ टी की वैल्यू हम लोगों ने क्या मान रखी है, डब्ल्यू। तो यहां से क्या आ गया, दिस इंप्लाइज दैट यू वन माइनस यू टू बिलोंग्स टू डब्ल्यू। ठीक है, ये डब्ल्यू के अंदर बिलोंग करेगा, इसका मतलब क्या हुआ, डब्ल्यू प्लस यू वन माइनस यू टू किसके बराबर होगा, डब्ल्यू के, यू टू को उधर लेके चले जाओ, यहां से क्या आ गया, दिस इंप्लाइज डब्ल्यू प्लस यू वन इक्वल टू डब्ल्यू प्लस यू टू। तो देखो, इन दोनों एलिमेंट की हम लोग इमेज सेम लेके चले थे, और दोनों एलिमेंट को हम लोगों ने क्या प्रूव कर दिया, बराबर प्रूव कर दिया। ठीक है, हेंस F is वन वन। ठीक है, अब लास्ट हमें क्या प्रूव करना है, F क्या है हमारे पास, ऑन टू। ठीक है, F को हमें क्या प्रूव करना है, ऑन टू। ऑन टू हम लोग कैसे प्रूव करते हैं, जो भी इमेज एलिमेंट है उसकी हमें क्या मिलनी चाहिए, प्री इमेज मिलनी चाहिए। ठीक है, हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, फॉर यू बिलोंग्स टू यू लेट टी ऑफ यू बिलोंग्स टू टी ऑफ कैपिटल यू, ये यू वेक्टर स्पेस यू का एलिमेंट है, ये हम लोगों ने आर्बिट्री इमेज का एलिमेंट मान लिया। ठीक है, देन डब्ल्यू प्लस यू बिलोंग्स टू यू बाय डब्ल्यू, तब हमें डब्ल्यू प्लस यू कहां मिल रहे हैं, यू बाय डब्ल्यू में। देयरफॉर एफ ऑफ डब्ल्यू प्लस यू इक्वल टू टी ऑफ यू इंप्लाइज दैट डब्ल्यू प्लस यू इज प्री इमेज ऑफ टी ऑफ यू अंडर एफ। हम लोगों ने कोई आर्बिट्री एलिमेंट लिया था और उसकी हम लोगों ने क्या शो कर दी, प्री इमेज। इसका मतलब क्या हो गया, एफ इज ऑन टू। ठीक है, अब हम लोगों ने चारों प्रॉपर्टी प्रूव कर दी, पहली कौन सी थी, वेल डिफाइंड वाली, दूसरी कौन सी थी, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तीसरी हम लोगों ने प्रूव किया था इसको वन वन, और फोर्थ हम लोगों ने क्या प्रूव किया था, ऑन टू। हेंस एफ इज अ वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म। तो हमारा एफ क्या हो गया, वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म। इसका मतलब यू बाय डब्ल्यू इज आइसोमॉर्फिक टू T by U, W की वैल्यू क्या माननी थी हम लोगों ने, कर्नल ऑफ T, दैट इज U by कर्नल ऑफ T इज आइसोमॉर्फिक टू T ऑफ U। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कॉमेंट करके बता सकते हैं या मुझे मेल कर सकते हैं।